क्योंकि मैं दारू पीती हूँ बेटा, मैं तो साफ बोलती हूँ। अच्छा, बस 20-25 किलोमीटर रह गया भाई यहाँ से। सालू के ना निकालो, निकालो। हाँ अकेले पानी मारते थोड़ा सा बाइक पे, यहाँ से भाई से डब्बा लेके। यहाँ पे पुलिस वाले ना रोके बस हमें, क्योंकि आई हैव नो लाइसेंस एंड आरसी। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे सब बढ़िया होंगे भाई? तो अभी सुबह सुबह हो चुका है, मैं मनाली में हूँ भाई साहब। इतनी ठंड लग रही है और मैं जैकेट वैकेट भी ज़्यादा नहीं, मैं राइडिंग गियर वाली जैकेट लेके आया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक अंकल आंटी हाथ से कह रहे हैं, सेकलू जी हाथ। हाँ जी, वीडियो बना रहा हूँ जी। अरे नहीं नहीं कोई नहीं जी, बस आप यहीं रहते हो? हाँ बेटा, मेरा कोई है ही नहीं तो मैं कहाँ रहूँ। कहाँ गए जी आपके घर वाले? सब मर गए। क्या बात होगी थी? भी नहीं हुआ था बेटा। मर गए क्यों? वो आदमी नहीं होता है ना। हाँ जी, तो सब मर जाते। भाई जी बस धुआं ना करो, कोई नहीं जल जाएगी। आदमी होता है ना बेटा। हाँ जी, तो सब जीते रहे। सही बात है जी, आदमी नहीं होता तो कोई जीता नहीं। अच्छा, कोई दे जाता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो अपना भूखी पड़ी रहती हूँ। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 72 साल। ओहो, पता नहीं अब कितने साल जीना है। मैंने 1-2 साल जीना हो ना, फिर तो मैं तो बोलती भगवान अभी उठा ले मेरे को बस। ऐसे ना बोलो जी, क्या करूँ बेटा, जीते जी ऐसे ही बोलना पड़ता है। जो किसी का साथ नहीं देता तो क्या बोलूंगी मैं। बच्चे नहीं है? बच्चे बच्चे है साले, किसी काम के नहीं। क्या बात होगी दी, कहाँ पे बच्चे? लड़की है, वो लड़की अपने परिवार में खुश रहती है। लड़का है वो झांसी चला गया। झांसी? हाँ झांसी चला गया छोंग लगाने के लिए। छोंग क्या होता है? वो टेक्टियों के साथ जाते हैं ना, कपड़ा कपड़ा मतलब कपड़ा बेचता है। कपड़ा अच्छा, है वो। अच्छा, तो यहाँ नहीं आता? हाँ आता नहीं यहाँ पे, 6 महीने के बाद आएगा वो। ओहो, वो भी यही रहता आगे से? नहीं, कपड़ा है, उसने 8,000 का कमरा लिया हुआ है, तो आप किराया भेज देता है वो उसको, पर वो लड़की नहीं रहने देती है मेरे को। आपकी लड़की? हाँ, उसको नफरत है मेरे से। नफरत क्यों है? क्योंकि मैं दारू पीती हूँ बेटा, मैं तो साफ बोलती हूँ। अच्छा, मैं साफ बोल देती हूँ, मैं इनकार नहीं करती, मैं दारू पीती हूँ इसलिए वो नफरत करती है। दारू क्यों पीते हो आंटी आप? ठंड लगती है? गम है ना मेरे को। किस बात का गम है? मेरे को अपने आदमी का गम है और किसी का गम नहीं। अच्छा, कब छोड़ के गए वो आपको? 12 साल हो गए। जब आप 60 साल के थे, क्या हुआ था उनको? पीलिया हो गया था, काला पीलिया। ओहो, कोई खिलाता नहीं है मेरे को, मैं खुद दुनिया को खिला देती हूँ। अच्छा, यहाँ मेरे को दुनिया खाना ला के दे देती है। अच्छा, इतना बड़ा शेर है पंजाब होटल है। हाँ, वो खाना यहाँ पहुँचा देता है मेरे को। अच्छा, रोज तीनों टाइम का? तीनों टाइम का। अच्छा, मैं सोच रहा था आपको कुछ खिलाऊ अभी, पर आप कह रहे हो खाना आ जाता। वो लाएगा वो 1 बजे। अच्छा, अभी अभी खिला दिया? नहीं अभी कुछ भी नहीं खाया मुझे। नहीं, सुबह का नहीं खाया ना? क्यों? कुछ था ही नहीं मेरे पास, पैसे ही नहीं थे तो मैं। नहीं तो आप कह रहे वो खिलाने आते हैं आपको? नहीं, अब आएंगे वो 11-12 बजे सारे। अच्छा, धुआं लग रहा है। किसी ने कुछ नहीं खिलाया मेरे बच्चे। तो भाई आंटी देख लो, दारू पीती है आंटी। आता हूँ आंटी, आता हूँ, चलो मैं कुछ खाने के लिए लेके आपके लिए। ये भाई आंटी दारू पीती है। आंटी कह रही मैं दारू पीती हूँ। आंटी पहले मेरे को थोड़ा इमोशनल हो रहा था, मैं आंटी को ना, फिर जब आंटी ने बोला मैं दारू पीती हूँ, कहाँ जी आ रही, पर मैंने कहा आगे क्या ही बोल। चलो कोई नहीं यार, हम कुछ खाते हैं पहले, फिर आंटी को भी कुछ खिला देते हैं। अम्मा को नाश्ता वास्ता करा के मैं आ गया हूँ सीधा एक मंदिर में मनाली के। मैं यहाँ से 10 बजे निकलूँगा, तब तक मैं कह सोचो एक मंदिर में थोड़ा मत्था टेक लेते हैं, बुद्ध मोनेस्ट्री में। व्यू चेक करो, ऊपर पहाड़ कितने बढ़िया, और बर्फ़ भी पड़ी हुई है वहाँ पे, देखो सामने देखो बर्फ़ पड़ी हुई है। होटल से चेकआउट करते हैं, होटल में आए वापस अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके, होटल से चेकआउट करते हैं, मिलते हैं सीधा बाइक पे चल के। ठीक है भैया, मिलेंगे दोबारा। हाँ, मिलेंगे दोबारा, आ जाना अपने कार्निवल का। हाँ ओके भैया, ठीक है जी। अपना कोल्ड स्टार्ट कर लिया बाइक, इसको धुलाएंगे अभी, दोबारा मिलेंगे। ओके जी बाय। ये है भाई भैया का होटल, देख लो एक बार, होटल सोलांग। फ़ोन नंबर बताना अपना। 981। हाँ हाँ, 174। ठीक है जी, ठीक है, फ़ोन कर लेना भैया को। ओके भैया बाय।
ओके भाई बाय, ठीक है, ओके भाई बाय, आएंगे भाई दिसंबर में आते हैं दोबारा, यहीं आएंगे कोई नहीं, ठीक है, ओके भाई बाय। ये भाई होटल अपना, चलते भाई यहाँ से फटाफट से अब सीधा पालमपुर की तरफ, यहाँ पे पुलिस वाले ना रोके बस हमें, क्योंकि आई हैव नो लाइसेंस एंड आरसी। शपाटने शपाटने शपाटने। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ओ भाई 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 भाई, ये देखो, ओ ओए ओए, कहाँ घूम रहे भैया? नागर की तरफ जाना, नागर किधर को? इधर को जाओ ना, जाओ इस तरफ को जाओ, ठीक है जी, चलते हैं जी नागर की तरफ। पहले नागर में मैंने सुना कुछ खाने को मिलता है बढ़िया बढ़िया, वहाँ पे खाने की चीज़ें फेमस है, तो पहले वहीं चलते हैं, कुछ खाते हैं। पेट पूजा करते हुए थे, हमने ब्रेड ऑमलेट खा लिया था, और ये उतर गए हैं मॉल रोड से नीचे, और भाई सामने ऊपर देखो बर्फ हुई पड़ी है खतरनाक वाली। ओए होए यार, ये तो मजा ही आ गया यार इस टाइम पे चलाने का बाइक। ओए होए, सोलो राइड का अलग मजा है, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें कोई, तुम आराम से जैसे मर्जी जल्दी करो, लेट करो, फेट करो, जो मर्जी करो, सोलो राइड सबसे बेस्ट है सबसे ज्यादा। तुम्हें किसी का तैयार होने का नहीं वेट करना है, किसी का कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपना जाना है, एकदम बढ़िया। क्या हो गया अंकल को? पुलिस वाला अंकल अपना पेट देख रहा था यार, पापी पेट अंकल, पुलिस वाला अंकल अपना पापी पेट देख रहा था। चलते हैं भाई यहाँ से। ओ, 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 मैं तो चल लिया भाई साहब, और साथ में ही वो स्टार्ट हो चुकी है एक नदी, और ये नदी को फॉलो करते करते हमने निकल जाना यहाँ से पालमपुर की तरफ। चलो भाई, अपना मनाली तो हमने कर लिया एक दिन स्टे, अब एक दिन करेंगे हम पालमपुर स्टे। पालमपुर पहुँचते हैं, यहाँ से 250 किलोमीटर है, पहले हमें कहीं और भी जाना है, मतलब यहाँ से 250 किलोमीटर है जहाँ हमने जाना है। भाई यार ये देखो कितनी मस्त, भाई कितना बड़े बड़े से पत्थर है यार, अभी जब फ्लड आया था ये पूरा भाई भीगा हुआ था, पूरा डूबा हुआ था ये। अभी स्नो पड़ेगी, दोबारा आएंगे स्नो में, हम बंदों के साथ आएंगे, अभी तो हम अकेले आए हैं, लेकिन उस टाइम हम बंदों के साथ आएंगे। ये भाई थोड़ा पानी मार रहा है, हम भी मार लेंगे पानी, पानी मारते थोड़ा सा बाइक पे, यहाँ से भाई से डब्बा लेके। भाई जी यार डब्बा देना, दो डब्बे डालने पानी के। ये देखो यहाँ से भरते हैं पानी, अपनी बाइक को भी नहला देते हैं यार। बढ़िया होगी भाई का ना धुल के, यहाँ पे भाई बंदे गाड़ी गुड़ी वाले धोते हैं भाई। तो यहाँ पे हॉट एयर बलून भाई साहब मस्त लग रहा है यार, कितना जाएंगे यार कभी हॉट एयर बलून में ना, जब कभी हम साथ में होंगे ना और भी बंदे, तो इसमें पक्का जाएंगे, मज़ा आता होगा यार इसमें भाई, पूरा ऊपर से देखना कितना बढ़िया लगता होगा बलून में। ये भाई हिमाचल के लोग जानते हैं। क्या हाल है भाई, क्या चीज़ है ये, क्या बोलते हैं इसको भाई, ये झांकी है, क्या बोलते हैं इनको, देवता, पालकी है, पालकी गणपति महाराज जी की, गणपति महाराज की, क्या बात है पालकी जी, गणपति जी की पालकी है भाई, देख लो ध्यान से। तो गाइस मैंने यहाँ पे रुका हूँ, देखो इस जगह है ये खड़ी अपनी बाइक। मैं भैया चंडीगढ़ से हूँ भाई, क्या बात है चंडीगढ़ लगे थे। हाँ अकेले, क्या बात है भाई, अकेले ही आते हैं। आप कहाँ भैया? मैं तो घर जा रहा हूँ, घर कहाँ से, मनाली से आ रहे हो? हैं मनाली, मेरी बहन का घर है यहाँ पे। सही है, एक्सपल्स। ओ भाई, तो अभी एक टनल में वापस से भाई, अंधेरा हो चुका है और इतनी ठंड लग रही है ना अंदर टनल में, क्योंकि भाई ये ना इसके जो पहाड़ के नीचे है एकदम ये, और इतनी ठंडी मिट्टी है ना भाई, मिट्टी से ना इतनी ठंड आ रही है, ठंड। ओ भाई साहब,
सामने मतलब छाती पे ठंड नहीं लग रही है भाई, तो हाथों पे, दोनों हाथों पे, टांगों पे ठंड लग रही है भाई। ओ भाई साहब कितनी ठंड, कितनी लंबी सुरंग है यार, 3 किलोमीटर से चल रहा हूँ मैं इसमें। अब शायद आने वाला है, रोशनी आने वाली है शायद, शायद लग रहा है मुझे। नहीं यार अभी भी नहीं, वो तो गाड़ी की रोशनी थी भाई। कहाँ पे हो, कितनी लंबी सुरंग है यार, ये देखो दूर दूर तक तो गाड़ियाँ ही दिख रही है सिर्फ। भाई कितनी खतरनाक गुफा है। और फाइनली सूर्य की किरण हमारे पड़ चुकी है हमारी बाइक पर और हमारे ऊपर। ओ माय गॉड, ये कितना मजा आया भाई साहब। ओ भाई इस पहाड़ के अंदर कितनी ठंड थी यार। ये देखो ये भी एक गुफा थी भाई, सुरंग थी, ये बंद कर रखी है, लेकिन इसका दूसरा सिरा नहीं मिला तो इसलिए ये बंद कर दी थी। सोना ते मैं तू दूर गया है। लो जी मंडी पहुंच गए। फ्यूल डलवा लेते भाई, एक मिनट जी। ने कर दिया पंप के पीछे, वो बस से दिख नहीं रही। और अभी भाई हम रास्ते में हैं पालमपुर के, तो कुछ खा लेते हैं यहाँ पे भाई, भूख लग रही है बहुत तेज वाली। हो भाई अब मैं कुछ खा लेते हैं, मतलब सबर का बांध टूट गया। भैया क्या खिला रहे हो? करते फटाफट से, व्यू देखो कितना मस्त है भैया, मस्त है आपका होटल यार। खाना वाना हो चुका है, बाइक अपनी वहाँ खड़ी है पंप के पास, तेल डलवाते हैं। फटाफट से ये वाले रास्ते से फटाफट से फरार हो जाते हैं। निकालो के ना निकालो, निकाल दो यहाँ से। तो हो गया भाई, अब चलने लगी है रोड। एम्बुलेंस देखो भाई कहाँ पे है यार, एकदम खाई में है भाई, एकदम खाई में। और यहाँ देखो क्या चल रहा है भाई, ये हुआ है ताबड़ तोड़ काम हिमाचल में फ्लड आने के बाद। शाम का वक्त हो गया भाई, शाम का वक्त, और अभी रह गया है यहाँ से 40 किलोमीटर रह गया पालमपुर, 180 किलोमीटर हो गया कंप्लीट अपना मनाली से यहाँ तक, बस अब वो रह गया 40 किलोमीटर रह गया भाई। ट्रैफिक में फिर फंस गए, ओह माय गॉड लग गई। बस 20-25 किलोमीटर रह गया भाई यहाँ से, अंधेरा हो गया थोड़ा, देख के जानी पड़ती है अंधेरे में। मैं भी मैं बैजनाथ पहुंचने वाला हूँ। तो गाइस यार मैं सीधा ना होटल में आया हूँ अपने, ठीक है। तो सीन कुछ अभी ऐसा है यार, मेरा कैमरे का जो माउंट है वो ढीला हो गया था बहुत ज़्यादा, और रास्ते में आ रहा तेज आ रहा था मैं, माउंट ढीला हो गया था थोड़ा, उस पर लग के बाउंस आया था थोड़ा, ढीला हो गया था, ठीक है। तो मैंने माउंट वगैरह निकाल दिया था, ये देखो पीछे आपको दिख रहा होगा हेलमेट पे माउंट नहीं लगा। ये मेरा होटल है, होटल दिखाता हूँ पहले तुमको, मेरा बैग हेलमेट ये जैकेट हमारी, ये रहा होटल देखो, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया हो रही है भाई, एकदम मस्त होटल है, ठीक है, 3 स्टार होटल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने सोना है, अभी खाना आ रहा है, खाना खाते हैं, सोते हैं, सुबह निकलना है हमने। अभी हम आज हम रुक गए पालमपुर में, कल हम जाएंगे शायद धर्मशाला, धर्मशाला स्टे करेंगे, ठीक है, धर्मशाला स्टे करेंगे, फिर शायद हम चंबा भी स्टे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम धर्मशाला चले गए जल्दी पहुंच गए तो हम आगे सोचेंगे कि चंबा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो चंबा करेंगे, चंबा से हम 11 तारीख को 10 तारीख को में भी कल फ्री हो जाएंगे। चंबा फ्री क्या होना है, चंबा जाएंगे, चंबा घूमेंगे, चंबा राइड करेंगे, ठीक है। चंबा से फ्री होके सीधा चंडीगढ़ की राइड करेंगे, ठीक है, चंडीगढ़ की राइड करेंगे, वो करेंगे हम डलहौजी साइड से, डलहौजी भी हमारा कवर बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो बस अभी खाना आ रहा है, खाने का वेट करते हैं, दिखाते हैं भाई खाने में क्या आ रहा है, कह रहे भी आ रहा है भाई, ठीक है मैं देखते हैं। क्या हाल है भैया? क्या बात है भैया यार, भैया बड़े स्माइल कर रहे हो, क्या चक्कर है भैया? तुम्हें ले लिया, कैप्चर कर लिया मैंने भाई, सही है, मस्त है भाई खाना तुम्हारा, पहाड़ी खाना, पानी नहीं दिया भाई तुमने, खाना आ गया भाई, शर्मा आगे चला गया। सो गाइस खाना वाना हो चुका है, लाइट वाइट मैंने ऑफ कर दी थी, मैं सोच के मेरे को ब्लॉग का एंड करते हैं भाई यहीं पे। और हमारी आज राइड काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, आज भी हमारा 300 किलोमीटर आज भी हमारा हो गया, ठीक है। तो मैं शॉर्ट्स भी डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, मेरा जो शॉर्ट्स वाला चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा भाई लिंक, तो इंस्टाग्राम सब पे डाल दूंगा, तुम देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा चैनल, ठीक है, ऐड भी हो रखा है वैसे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, टाटा टाटा बाय।